नहीं है मेरे पास, देख रहे हो कि मैं वीडियो बना रही हूँ, चल दफा हो जा। मजबूरी में मुझे बच्चों पर हाथ उठाना पड़ता है, इसलिए कि मेरे पास ऐसा कोई जरिया नहीं है जो मैं बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। तो तकलीफ भी होती है इनको मार कर पीट कर झूठ बोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी दुआ होती है कि ये जिनके औलाद नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें नेक औलाद से नवाजे, और जिनके औलाद हैं वो अपने माँ बाप के ऊपर मरदार अल्लाह पाक उन्हें बनाए, हमारे माँ बाप को अल्लाह पाक सियात अता फरमाए, जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत फरमा गए, अल्लाह पाक उनके जो कब्र में अजाब में है, जो जिस भी वजह से उनको तकलीफ़ हो रही है कब्र के अंदर, अल्लाह पाक उनकी तकलीफ़ दूर फरमाए और उन्हें जन्नत में आला तो आला मकाम अता फरमाए। और अल्लाह पाक से दुआ है मेरी कि मेरे बहन भाइयों के जो रोज़गार है, अल्लाह पाक उनके रोज़गार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बेरोज़गार है, अल्लाह पाक उनको रोज़गार अता फरमाए, जो बेसहारा है उनको सहारा अता फरमाए। इस दुनिया में जितने भी लोग अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए। और जो मुसाफिर है, गाड़ियों पर हैं, मोटरसाइकिल पर हैं, जहाज़ में हैं, जिस भी चीज़ पर सवार है, अल्लाह पाक उनको खैर खैरियत से अपने अहल वयाल तक पहुँचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और मेरी जो वीडियो होती है, हर वीडियो में आप लोगों से मैं कहती हूँ, और मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी जो वीडियो, जो भी मेरी नई वीडियो आती है, आप तक आसानी पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो वीडियो चल रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मेरी, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, इस तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। और आप लोग ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे गरीब बच्चों को, आप मेरे गरीब बच्चों को ये हिम्मत मिल रही है। मेरे बच्चे कहते हैं कि अम्मी हमारा चैनल अब चलना शुरू हो जाएगा तो हम अच्छे कपड़े पहनेंगे ईद पर, और स्कूल में भी अच्छा यूनिफॉर्म पहन कर जाएंगे, शूज़ पहन कर जाएंगे, कॉपियाँ पेंसिल सब कुछ लेकर जाएंगे। तो मेरे बच्चे भी आप लोगों को बहुत दुआएँ दे रहे हैं, जैसे मैं बात करती हूँ कि आज हमारे व्यूज़ इतने हो गए, इतने हो गए, मेरे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं और आप सबको बहुत दुआएँ देते हैं। और मेरी भी आप सब बहन भाइयों के लिए हमेशा दुआ है, अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत अता फरमाए। बाकी ईद आ रही है, जैसे कि सब लोग कपड़े बनवा रहे हैं, शुरू से पहले रोजे से ही बनवाना शुरू कर देते हैं, तो बच्चे देख कर आते हैं, किसी रिश्तेदार के घर में कहीं भी जाते हैं तो देख कर आते हैं कि हमारे वो भी कपड़े बनवा रहे हैं, अम्मी हमें भी कपड़े बनवा कर दें, हमारे भी कपड़े लें, हमारे जूते वगैरह लें अच्छे। तो बच्चे उनका दिल तो मैं नहीं तोड़ती, लेकिन अल्लाह पाक से दुआ है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला देंगे, देर या सवेर जब भी लिखा होगा देंगे। आप लोग भी दुआ करें, मुझे हिम्मत है ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, उनको इसी पे नए कपड़े पहना सकूं। पहले तो छोटे थे, ना समझते, नए कपड़े लेकर देती थी, नए जूते लेकर देती थी, ना लेकर देती थी, तो उनको इस बात का पता नहीं होता था। लेकिन अब वो बड़े हो गए, अब वो हर बात को, हर चीज़ को समझते हैं, नए और पुराने में उनको फ़र्क का पता चलता है। चाहे जिस तरह भी मैं उनको बहलाऊँ, उनको पता लगता है कि ये पुराने कपड़े हैं या पुराने जूते हैं या किसी के दिए हुए हैं, तो उन्हें पता चलता है। वो जब कहते हैं कि अम्मी आप हमें अपने ले कर दें, नए खरीद कर दुकान से खरीद कर दें, तो बहुत तकलीफ़ होती है मुझे। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे, मैं अपने बच्चों के लिए ईद पर कपड़े बनवा सकूं। बहुत परेशान हूँ अभी, तो बच्चों की बातें सुनकर बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है मुझे, क्योंकि सिर्फ मसला कपड़ों का नहीं है, खाने पीने से लेकर घर की हर ज़रूरत तक की परेशानी है। अब मेरी बेटी बड़ी होती जा रही है, जैसे कि मेरी चार दीवारी नहीं है, परेशानी होती है मुझे चार दीवारी की वजह से, वॉशरूम की वजह से बहुत टेंशन में रहती हूँ कि मेरी बेटी बड़ी हो रही है। लड़के हैं वो तो खैर बाहर अंदर, उनकी तो कोई परेशानी नहीं होती। वैसे तो आजकल का जो माहौल चल रहा है, इससे लड़कों के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन जो बेटी है, बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, खासकर चार दीवारी की, वाशरूम वगैरह की। तो सब कुछ अंदर होगा तो मेरी बेटी महफूज होगी। तो मुझे अपने से ज़्यादा अपनी बेटी की फ़िक्र है, उसके मुस्तकबिल की, बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र है। बहुत परेशान रहते हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल की वजह से, खाने पीने के लिए, हर चीज़ के लिए बच्चे फरमाइश करते हैं, मैं पूरी नहीं कर पाती। ऊपर से जो मोटरसाइकिल पे आइसक्रीम लगाई हुई है, लोग लेकर आते हैं इधर, आवाज़ सुनते हैं, बच्चे परेशान करते हैं कि अम्मी लेकर दें, तो उनको भी, मैं भी खुद भी झूठ बोल बोल कर थक गई हूँ कि बच्चे अभी फ़लाँ जगह से लेने हैं, पैसे फ़लाँ से लेने, फ़लाँ से लेने हैं, लेकर दूँगी, झूठ बोल बोल कर मैं थक गई हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि अब इनको मैं और क्या हौसला दूँ, इनके साथ क्या ऐसी बात करूँ जो इनका दिल बहले और इस बात पर ये मुझ पर यकीन करे। बच्चों का मुझ पर से यकीन उठता जा रहा है, मेरी मजबूरी झूठ बोलने की ये है कि मेरे हाथ में कुछ है नहीं, मैं बच्चों को कुछ लेकर दूँ, या कपड़े जूते, खाना पीना, अच्छी कोई भी चीज़ खाने की हो या पहनने की हो, ओढ़ने की हो, तो मुझे मजबूरी में बच्चों से झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन बच्चों का मुझ पर से विश्वास उठता जा रहा है। हर माँ, आप भी अपने बच्चों वाली होंगी, माएँ होंगी जो मुझे देख रही होंगी, उनको भी महसूस होगी मेरी बातें, क्योंकि माँ, कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि उनके बच्चे
उनका बच्चों का उस माँ पर से भरोसा उठे, जब बाप पर से भरोसा उठे। कोई भी वालिदैन ये नहीं चाहते और मैं भी ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चों का मजीद मुझ पर से भरोसा उठे और बड़े होकर उनकी उनके जहन में यह हो कि हमारी अम्मी हमसे झूठ बोलती थी और कहीं डरती हूँ कि कहीं मेरे झूठ बोले। मैं बोलती हूँ झूठ, बच्चों को झूठ बोलती हूँ, इसलिए बोलती हूँ कि मैं उनका दिल बहलाने की कोशिश करती हूँ। मेरा झूठ बोलने का गलत मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी डर लगता है कि कहीं मेरे बच्चे मुझसे सीख कर आगे अपनी ज़िंदगी में झूठ का सहारा ना लें। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे मेरा चैनल चलेगा तो मैं अपने बच्चों को जो कुछ ज़रूरत की होगी वो लेकर दूंगी। बार बार मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मुझे हिम्मत दें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे हिम्मत दें, क्योंकि आप लोगों की हिम्मत से ही मुझे मैं कुछ कर पाऊँगी अपने बच्चों के लिए। तो ये नहीं है मेरे पास, देख रहे हो कि मैं वीडियो बना रही हूँ, चल दिखाओ जा। मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि मुझे आप लोग सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे हिम्मत दें, मैं अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी कर सकूँ। तो मजबूरी में मुझे बच्चों पर हाथ भी उठाना पड़ता है, इसलिए कि मेरे पास ऐसा कुछ जरिया नहीं है जो मैं बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। तो तकलीफ़ भी होती है, इनको मार कर पीट कर झूठ बोल कर भी तकलीफ़ होती है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं मैं, बहुत बहुत परेशान हूं। आप लोग मेरी हेल्प करें, मुझे हिम्मत दें। बार बार आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग मुझे हिम्मत दें, मेरी परेशानी को समझें, मेरे दुख को समझें, एक माँ की मजबूरी को समझें और एक गरीब बहन की मजबूरी को समझे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी मैं, उस वक्त के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।